guys and welcome back to my channel. So if you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon so when I upload any new video, you are the first to know. और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस विंटर एंड यू आर फुली प्रिपेयर टू बी अ ब्राइड, देन यू हैव टू फॉलो दिस स्किन केयर टिप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम ड्राइनेस. यस, ड्राइनेस सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू होता है जो सब कोई फेस करता है और हम हर विंटर ये फेस करते हैं. तो ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हो जाती है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करें, अदरवाइज़ जो आप मेकअप करेंगे ना शादी में वो बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है. तो अपनी ब्राइड लुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने के लिए, निखारने के लिए आपको इन सारी स्किन केयर टिप्स को फॉलो करना है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ. सो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं अच्छे से तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी अपनी डी डे वाले दिन, और आपकी शादी के दिन जो मेकअप होगा ना वो भी बहुत लॉन्ग आ तक स्टे करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाएगा. तो ड्राइनेस की वजह से क्या होता है ना, अगर इसका आप ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्किन पे ना वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं. यस, बहुत सारी लड़कियों को सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को डल दिखाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी होते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी शादी है तो वो बिल्कुल भी अच्छे लगने वाले हैं. तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन भी आपकी शादी वाले दिन ना बहुत ही अच्छी दिखे, आपकी शादी को 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं या फिर महीने भर, तो आप ये सारी स्किन केयर टिप्स को फॉलो करिए और ट्रस्ट मी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करेगा. सो कीप ऑन. टिप नंबर 1, यू हैव टू बी हाइड्रेटेड. तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको पीना है खूब सारा पानी. तो आपको एटलीस्ट 8 ग्लासेस अ डे तो पानी पीना ही है. आप चाहें तो 10 से 12 ग्लास भी पी सकती हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है. और अगर आप खूब सारा पानी पिएंगी तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखेगी, और अगर आप खूब सारा पानी नहीं पिएंगी तो डिहाइड्रेशन आपको रहेगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी बल्कि आपका डाइजेशन भी बहुत वीक हो जाएगा. तो जब आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा ना तो आपके स्किन पे एक्नी और पिंपल्स की भी प्रॉब्लम आ जाएंगी. तो अगर आप अपनी शादी में बचना चाहती हैं एक्नी और पिंपल्स से तो आपको खूब सारा पानी पीना है जिससे आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन क्लियरली विजिबली फ्लॉलेस दिखे. तो ये फर्स्ट टिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ टिप नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को. तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको मॉइस्चराइजर डेली लगाना है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत सारी लड़कियों की स्किन ऑयली होती है तो वो सोचते हैं कि हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, हमें कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मॉइस्चराइजर लगाना है. यू हैव टू अप्लाई एवरी सिंगल डे. तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना है, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है जिन लड़कियों की, उनको बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर लगाना है. जैसे निविया का जो ब्लू वाला मॉइस्चराइजर है ना, वो बहुत ही हैवी होता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको वो मॉइस्चराइजर डेली लगाना है. एटलीस्ट आपको हर 6 आवर्स में वो लगाना है ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखे और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर ले लें, और टोनर और फेस वॉश जो आपको हमेशा सूट करता है वही वाला आप मॉइस्चराइजर और टोनर लगाएं, जो भी आपको सूट करता है. आप मार्केट से पहले से भी यूज़ कर रही हैं तो आप वही वाला यूज़ करिए. आपको नया, अपनी शादी जल्दी अगर आपकी है तो आपको बिल्कुल भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. पता नहीं है आपको कि वो कैसा है कैसा नहीं, तो आप जो भी यूज़ करें उसी को यूज़ करिए, बट मॉइस्चराइज रहिए. अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए हमेशा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. टिप नंबर 3, यू हैव टू यूज़ वार्म वाटर नॉट हॉट वाटर. तो ठंडियाँ हैं, अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो ठंडे पानी से नहाना नहीं पसंद करती हैं. तो अगर आप ठंडे पानी से नहाना नहीं पसंद करती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गर्म पानी से नहाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये काम. बहुत ही ज़्यादा स्किन को आपकी ख़राब कर देगा, आपके सारे जो स्किन टिश्यूज़ है ना वो जल जाएंगे, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगेगी, बहुत ज़्यादा बेजान लगेगी, और ड्राइनेस इतनी हो जाएगी ना कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी. तो ऐसा बिल्कुल ना करें. आप वार्म वाटर यूज़ करें, जो गुनगुना पानी होता है ना उससे डेली अपनी स्किन को, जब आप फेस वॉश करती हो तब भी गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें, और जब आप नहाएं तो भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, क्लीन रहे और मॉइस्चराइज्ड रहे. और नहाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
Now, tip number 4, you have to follow a proper diet meal. So, proper diet meal का मतलब है कि आपको खूब सारी vegetables खानी है, खूब सारे fruits खाने हैं ताकि आपकी skin बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, बहुत ज़्यादा glowing रहे. तो fruits खाने से ना हमारी skin के toxins बाहर निकलते हैं और हमारी skin बहुत ज़्यादा glowing होती है. तो आपको खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, खूब सारी वेजिटेबल्स खानी है और पालक आपको बहुत ज़्यादा खाना है क्योंकि पालक में आयरन होता है और आपकी स्किन को अमेजिंग ग्लो देता है, अमेजिंग नोटिसेबली विजिबली फ्लॉलेस ग्लो देता है. तो आपको पालक खाना है और आपको लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो ये आपको नट्स में मिलेंगे, जैसे आपका आमंड्स हो गया, आपके वॉलनट्स हो गए. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखते हैं, अंदर से आपके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. तो आपको प्रॉपर डाइट मील फॉलो करनी है. जब तक आपकी शादी ना हो तब तक आपको करना है ये, जिस दिन आपकी डी डे हो उस दिन भी आपको अच्छे से फॉलो करना है ये सारी डाइट्स. तो आप उस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रात में बहुत ज़्यादा हेल्दी मील लें ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखें और बिल्कुल भी लिथार्जिक ना दिखें. यानी आप ऐसा ना हो कि आप बहुत थकान फील कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है और हमेशा ही प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखे. टिप नंबर 5, यू हैव टू चूज़ राइट प्रोडक्ट्स. तो पहले तो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फेस वॉश, जो टोनर, जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो सूट कर रहा है तो आप बिल्कुल वही इस्तेमाल करें. आपको अपनी शादी के कुछ दिन पहले कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ पता नहीं उसका आपको रिएक्शन गलत हो, ना सूट कर रहा हो आपको, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है. तो आप बहुत ही चूजीज में बनिए. तो आपको प्रॉपर वे में अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं अगर आप नहीं ले रही हैं. बट मैं ये सलाह दूंगी कि आप जो फॉलो कर रही हैं, जो स्टेप्स कर रही हैं और जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं वही प्रोडक्ट यूज़ करें. तो आपको और ये होता है ना कि हम जैसे गर्मियों में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो तो गर्मियों में ठीक होते हैं, बट कभी कभी सर्दियों में उन प्रोडक्ट की वजह से ना हमारे स्किन में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, यानी वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं आपकी यहाँ पे स्किन पे कहीं भी आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं. तो अगर आपके जो प्रोडक्ट आप पहले से यूज़ कर रहे हैं उनसे भी अगर आपको सर्दियों में प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए और हेल्दी प्रोडक्ट यूज़ करिए. और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट जो केमिकल ज़्यादा ना हो उनको यूज़ करिए, तो वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे और मॉइस्चराइज्ड रखेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज चूज़ राइट प्रोडक्ट. टिप नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फॉलो होम रेमेडीज़. तो आप घर पे फेस पैक बनाकर लगाइए इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दोज केमिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, आप घर में होममेड फेस पैक बनाइए, उनको अपनी स्किन पे लगाइए. आप उपटन घर पे बना सकती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने बहुत सारे फेस पैक्स बहुत सारे फेशियल्स की वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. और आपको घर पे बना के अच्छे अच्छे फेस पैक लगाने हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छे से ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छे फेस पैक लाऊंगी, तो वो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें. और जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं उनको उन वीडियो को देखें और वो फेस पैक घर पे बनाइए और लगाइए, ताकि शादी अगर आपकी शादी 5 दिन में है या फिर 10 दिन में या फिर 1 महीने में है तो आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे. तो ये थी मेरी 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए हैं. जितनी भी गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि दी मेरी शादी होने वाली है और मेरी स्किन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, डल है, बेजान है, तो उन सारी लड़कियों को ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगी कि आई श्योर यू कि आपकी स्किन आपके शादी वाले दिन तक तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखेगी और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेंगी. तो जो मेकअप आप करवाएंगी ना वो बहुत लॉन्ग आवर तक स्टे करेगा और वो बहुत अच्छा लुक भी देगा आपको. तो आप ज़रूर से ज़रूर ये टिप्स फॉलो करिए. तो आज के लिए ये थी मेरी वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.